अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर-ए-दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। शहर के गड्ढे बंद करने में बल्दिया नाकाम, शमी अब्दुल्ला ने लगाया इल्जाम। साबिका चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के कारपोरेटर अब्दुल शमी अब्दुल्ला ने बल्दिया उज़्मा के आम इजलास में इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि वो शहर की सड़कों पर गड्ढे बंद करने में नाकाम हो गई है। शमी अब्दुल्ला ने कहा कि मौसम में बारिश से पहले गड्ढे बंद करने के लिए टेंडर दिया गया था, गड़ों की वजह से शहरियान को परेशानियां हो रही। शमी अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर बल्दिया को फंड नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहर में तरक्याती कामों में रुकावट पैदा हो रही है। शमी अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कई दिनों से शहर में पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, लगता है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। अहम मुद्दा ये था सबसे पहले कि शहर में के जो खड्डे हैं वो मुछाना, साफ सुथरा करना। तो 5 करोड़ का टेंडर निकला था और वो टेंडर 4 महीने पहले हुआ कि बरसात से पहले अपने को शहर के खड्डे बुझाने का था। वो काम जानबूझकर ध्यान नहीं देते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कि वो काम कंप्लीट करके नहीं लिया। जब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो लोग शहर में के परेशान हो गए, खड्डों में गिर रहे, बरसात के मौका है कि बरसात से पहले हो जाए, ये हमारी सबकी मंशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बावजूद भी बाज जगहों पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रास्ते नहीं हैं और पाइपलाइन और ड्रेनेज के खोदे वाला है, तो उस जगह पर कम से कम बुरूम गिट्टी डालकर उसको लेवल किया जाए और शहर में के बड़े रास्ते डामर के पैच करना चाहिए था, वो एक भी नहीं हुआ। इसलिए आज सभागार के अंदर हमने ये डिमांड की कि वो इंजीनियर नाकाम है और ऐसा काम होना नहीं चाहिए कि बरसात से पहले हम बार बार बोलने के बावजूद भी काम नहीं हुआ हो। एक तो ये मुद्दा था। दूसरा, 10 दिन से 15 दिन से पुराने शहर में पानी नहीं है। एक मोटर जब ख़राब होती है तो 1-2 दिन में रिपेयर हो जानी चाहिए और हो जाती भी करना चाहे तो, और उसके बावजूद आसना नहीं दी, बहकर जारी 10 दिन से, वहाँ से पानी लेकर भी सप्लाई कर सकते थे, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। ऐसे कई मुद्दे हैं शहर के जो लोगों को राहत देने के मुद्दे थे, वो नहीं हो सके कि महानगर पालिका में कहीं तो भी हम कमज़ोर गिर गए और हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 1 रुपये का भी फंड नहीं आ रहा, और जा जो भी नगर पालिका की इनकम है वही इनकम में ये चलाना पड़ता, इसलिए हर चीज़ डिले होती जा रही। और ऐसा लग रहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ देने के मूड में नहीं है, यहाँ तक के कि खड्डे बुझाने के लिए भी देने के मूड में नहीं है। इसलिए हम कमिश्नर को बार बार बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए कम से कम शहर सुरक्षित रहे, साफ सुथरा रहे, ये हमारी मांग है। सर, क्या वजह है कांग्रेस पार्टी इतने नगरों को जीत क्या है फिर भी काम नहीं हो पा रहा है? नहीं ना, तो जानबूझकर फंड्स ही नहीं है, और ऐसा कमिश्नर का बोलना है, हम फंड्स अवेलेबल करके देने के बावजूद भी ये अधिकारियां नहीं कर रहे,
कुछ काम है, हमने टेंडर निकाल कर खड्डे बुझाने का, वो आज तक नहीं। कहीं अगर ड्रेनेज का फ्रेम कवर टूट जाता है तो वो तक नहीं है। कई ड्रेनेज छोटी मोटे गलियों में चौकअप है, वो पाइप चार बदलना पड़ता, वो भी नहीं हो रहा। ऐसे कई हैं छोटे मोटे मुद्दे थे, वो जनरल बाड़ी अभी तहकुब हुई, अब इसके बाद आधा घंटा बोलो या कल परसों होगी। करीब है पानी का 15 दिन हो गए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो मोटर का मसला बताया जा रहा है, आपको लगता है वो मसला सही है? नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो मोटर रिपेयर भी होगी, ईद को कोई तंगी नहीं होगी, ईद को बराबर पानी मिलेगा। कल ही मेरी कमिश्नर से डिस्कस हुई, आप लोग भी थे, कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि ईद के 3 दिन बिल्कुल पानी। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दें। प्रोपरेटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग अल बरकात, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड देगलू नाका नांदेड़। नांदेड़ दूध न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।